अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद फैज़ान अहमद यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटा वैलिडेशन, जो एमएस एक्सेल का एडवांस फीचर है, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये एक टेबल है जिसमें नेम है, यूज़र आईडी है, जेंडर है एंड डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मेरी यूज़र आईडी जो है वो पर्टिकुलर एक रेंज में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to 100 के बिटवीन हो, या फिर 100 से स्टार्ट हो एंड सो ऑन चलती रहे, लेकिन 98, 99 वैल्यूज़ जो हैं ये इनवैलिड हो उसके इस यूज़र आईडी के लिए, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू 500 हो, उसके ऊपर की वैल्यूज़ जितनी हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ इनवैलिड हो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन आप देख सकते हैं, ये डेटा है मेरा मेन्यू बार में, मैंने इस पर क्लिक किया। नाउ अब डेटा वैलिडेशन आ गया मेरे पास। डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें थ्री टैब्स हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर। अब मैं देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में आप देख सकते हैं होल नंबर है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि होल नंबर रहे मेरा और बिटवीन रहे। यहाँ पे होल नंबर के अलावा आप देखिए डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है एंड कस्टम है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी वैल्यू को लगा सकता हूँ। मैं अभी पर्टिकुलर होल नंबर को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 100 के अबव हो तो मैं ग्रेटर देन यूज़ करूँगा, लेस देन। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 500 से लेस रहे तो उसके लिए ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स फॉर 100 ही अगर मुझे चाहिए या 100 से बड़ी ही चाहिए तो उसके लिए लेस देन और इक्वल टू, मीन्स 500 तक वैल्यू ले, 490, 500 लास्ट वैल्यू हो एंड देन उससे शुरू करें। ठीक है, इसके लिए तो मैं यहाँ पे बिटवीन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं रेंज दे रहा हूँ 11 से लेकिन 19 दिए, मैं 19 को चेंज करके दे रहा हूँ 25। ठीक है, 11 से 25 के रेंज मैंने दी है। नाउ अब आप देखिए ये यूज़र आईडी पे मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पे 11 दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई। ठीक है, अभी अगर इस वैल्यू को मैं 11 की जगह 15 कर दूँ तो भी ये वैल्यू इंसर्ट है। ठीक है, अब अगर मैं इसी वैल्यू को चाह रहा हूँ कि मैं इसको 26 कर दूँ क्योंकि मैंने 25 लास्ट वैल्यू ले रखी है, तो क्या ये इंसर्ट हो जाएगा? नो, जैसे ही मैंने 26 इंसर्ट कराने की कोशिश की उसने दे दिया द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड इन टू दिस सेल। मीन्स एक लिमिट लगी हुई है, लिमिट अप्लाई है जिसके थ्रू हम सिर्फ 11 to 25 तक ही वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूज़र आईडी पर लिमिटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मैं पूरे पे अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक पे अप्लाई किया है। अब मैंने पूरे पे अप्लाई कर दूँ यहाँ पर तो अब ये लिमिट मेरी सब पर आ गई होगी। ठीक है, और वैल्यूज़ की जो बात है यूज़र आईडी, अब मैं इस यूज़र आईडी को चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ 26। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही मैंने स्ट्रेच की थी, ड्रैग किया पूरे ऑप्शन को, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 26 भी मेरा रिस्ट्रिक्ट वैल्यूज़ में आ गई क्योंकि मैंने जो है अब यहाँ पूरी लिस्ट 12 नंबर सेल तक की मैंने सबको क्या कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये 11 ही ले लेगा यहाँ पर जैसे मैं इंसर्ट कराऊंगा। नाउ देखा आपने, इंसर्ट 11 इंसर्ट हो गया लेकिन 26 को इंसर्ट नहीं हुआ, यही लास्ट कॉलम तक की, लास्ट सेल तक की यही रहेगा। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 26, ये वैल्यू मेरी इंसर्ट नहीं है। नाउ जेंडर में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जिसमें मेरे पास मेल एंड फीमेल के ऑप्शन हो, जिससे मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े और मेरे स्पेलिंग एरर के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया एंड देन अलाउ में मैंने लिस्ट को चूज़ कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट का ऑप्शन है, मैंने लिस्ट पे क्लिक किया। नाउ अब मैं सोर्स में मेल MALE मेल कॉमा FEMALE फीमेल एंड देन ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन का साइन बनकर आ गया और इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मेल एंड फीमेल के ऑप्शन हैं। अब मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे पास मेल आ गया एंड देन यहीं से फीमेल आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है जिससे स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक वैलिडेशन डेट ऑफ बर्थ पर भी अप्लाई हो जाए जिससे मुझे पर्टिकुलर रेंज मिल जाए जिसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ उसी रेंज में मैं इंसर्ट कराऊँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया एंड देन यहाँ से मैं डेट चूज़ कर रहा हूँ, डेट। ठीक है, और स्टार्ट डेट मैं दे रहा हूँ 01/01/90
एंड एंड डेट मैं दे रहा हूँ 12 1295। ओके, अब जो मेरी रेंज है वो पर्टिकुलर इसी रेंज में वैल्यू इंसर्ट होगी, इसके अलावा कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। मैं 12 12 और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 96, तो ये वैल्यू मेरी इनवैलिड हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू इनवैलिड हो गई। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक मैसेज भी साथ में पास हो जाए जिससे मुझे पता चले कि यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई है। तो इसके लिए मैंने वैलिडेशन पे क्लिक किया एंड इनपुट मैसेज में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डेट वैलिडेशन अप्लाइड। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वैलिडेशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई है, और कौन सा वैलिडेशन है, डेट वैलिडेशन है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैं मूव किया इस सेल पर, तो यहाँ पे मेरे पास लिख कर आ गया डेट वैलिडेशन अप्लाइड। इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई है। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एरर मैसेज जो है वो भी डिफॉल्ट ना होकर मेरा अपना एरर मैसेज आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक एरर पे क्लिक किया। नाउ अब मैं यहाँ पे एरर मैसेज दे रहा हूँ डेट बिटवीन 01 01 92 12 12 95। ठीक है, नाउ अब जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया 96, तो अब यहाँ पे जो एरर आया वो आया डेट बिटवीन 01 01 92 12 12 95। तो मुझे पता चल गया कि अब ये 12 12 95 के बीच में ही कोई डेट है, इसके ऊपर की कोई डेट वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं मैसेज भी सेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे सबके लिए मैं मैसेज सेट कर सकता हूँ, सबके लिए मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तो भी कॉमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं इसमें चेंजेस करूँ, फर्दर इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ वो आप मुझे बताएं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल अगर ना किया हो अभी तक। ठीक है, थैंक यू।